स्टार्ट करते हैं फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन का पोर्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और अगर रिड्यूस सिलेबस ना भी होता फिर भी फंक्शन का नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी के साथ साथ ही मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि एमसीक्यूज़ में किस तरह वो पूछते हैं, तो आपके एमसीक्यूज़ भी यहीं पर कवर होते जाएंगे। सवाल आपने माइक्रोफोन ऑन करके पूछना है, ठीक है, जब मैं आप लोगों को बोलूँगा। देखो, फंक्शन पढ़ने से पहले, अब बाकायदा हम स्टार्ट कर रहे हैं, माहौल बना लो। फंक्शन पढ़ने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप बोलते हो रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? मैथ को अभी साइड पे करो, अगर आप रियल लाइफ में देखो रिलेशन क्या होता है, तो आपके अराउंड आपको हर जगह रिलेशन ही नज़र आएगा। आपके माँ बाप से आपका रिलेशन, आपके बहन भाइयों से आपका रिलेशन, आपकी होने वाली बेगम से आपका रिलेशन, अच्छा दोस्तों का रिलेशन, काफ़ी रिलेशन आपको नज़र आएंगे। तो रिलेशन की, अच्छा फंक्शन क्या होता है फिर, तो इन दोनों के बारे में आपको ज़रा बताता हूँ। रिलेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं माँ और बेटे की, ठीक है। कंसिडर कर लो एक माँ है जिसके तीन बच्चे हैं, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा फ़र्क क्या है इसके अंदर। जो बच्चों का रिलेशन है ना, और माँ का रिलेशन बच्चों के साथ जो है, माँ का जो रिलेशन बच्चों के साथ होगा उसको आप रिलेशन बोलोगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे का रिलेशन माँ से होगा उसको आप फंक्शन बोलोगे। क्यों? फंक्शन ये कहता है कि मैं एक रिलेशन हूँ, लेकिन एक ऐसा रिलेशन हूँ जो यूनिक हूँ। कहने का मतलब, किसी भी बच्चे की पूरी दुनिया के अंदर एक ही माँ होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे की दो माएँ हैं। तो जो बच्चे का रिलेशन अपनी माँ पे होगा वो एक ही होगा, वो यूनिक होगा, पूरी दुनिया में उसकी एक ही माँ है। तो इसको आप बोलोगे फंक्शन। रिलेशन क्या होता है? जैसे मदर है, उसके तीन बच्चे हैं, तो अब यूनिक नहीं है, उसके तीन बेटे आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको आप रिलेशन बोलोगे। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आएगी कि फंक्शन में हमेशा एक ही आंसर आना चाहिए, फंक्शन में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको आप यूनिक बोलते हो, क्या आपके पास यूनिक आंसर आ रहा है। तो अब मैं ज़रा रिलेशन की आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x। सबसे पहले जहन में बना लो कि दो क्वांटिटीज होती हैं, एक को आप बोलते हो डिपेंडेंट, एक को आप बोलते हो इंडिपेंडेंट। आप लोगों के कोर्स में x जो है वो इंडिपेंडेंट दिया जाता है, और आगे लेवल पे भी x इंडिपेंडेंट होता है और y जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब जिसको कोई कैद नहीं है, आप अपनी आसानी से उसकी वैल्यूज पुट करते हो और आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करते हो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो आपने पुट किया है दूसरे वाले की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है, तो दूसरे वाले को आप क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करूं, मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। अब वाई की फॉर्म में आ गया, तो एक्स होता है इंडिपेंडेंट, वाई होता है डिपेंडेंट, मतलब एक्स की वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी पुट करते हो। लेट कर लो मैं यहां पर पुट करता हूं एक्स इक्वल टू फोर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आप एक्स की जगह फोर पुट कर दो, ठीक है, और रूट फोर का आंसर होता है टू के बराबर। तो y की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? y की यहां पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो इसको आप फंक्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि फंक्शन मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक पुट करोगे तो यूनिक आना चाहिए। यूनिक मतलब उस x वैल्यू की एक ही y वैल्यू आनी चाहिए। एग्जैक्ट अगर मैं वर्ड बोलूं तो एक ही y वैल्यू आनी चाहिए, दो नहीं आ सकती। अगर दो आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब वो रिलेशन है, उस रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोलोगे। जबकि एक एग्जांपल मैंने ये दी है, अब एक और एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अब ये ऑलरेडी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो लेट कर लो मैं इसके अंदर पुट करता हूं एक्स इक्वल टू वन। तो जब यहां पे आप वन पुट करोगे तो आपके पास आंसर भी क्या आ रहा है? वन के बराबर। जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो। लेट कर लो यहां पर टू पुट करोगे तो यहां पर फोर आ जाएगा। अब देखो, आपने एक इनपुट किया है और आपको आउटपुट जो मिल रहा है, इसको इनपुट आउटपुट कहते हैं, कि जो आपने पुट किया है वो इनपुट है और जो आपको मिल रहा है उसको आप आउटपुट बोलते हो। तो आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक से ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो यहां से आपको फंक्शन और रिलेशन में समझ आ गया होगा। असल चीज रिलेशन है। आप कंसीडर कर लो एक रूम है जिसके अंदर सब रिलेशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जिनको आप फंक्शन बोलोगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अगर आप एक वैल्यू पुट करते हो तो वो आपको आउटपुट एक ही देते हैं, तो उन रिलेशन को आप क्या बोल दोगे? फंक्शन बोल दोगे। बाकी उस रूम में सारे के सारे क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे, लेकिन जितने फंक्शन है वो सब रिलेशन है। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड। अब जरा एमसीक्यूज पे आ जाओ। अगर आपसे बोलें कि बताओ ये रिलेशन है या फंक्शन है, तो आपको दिखने में लग रहा है इस इक्वेशन को देख के कि जब आप एक इनपुट करोगे तो दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। और इस वाले में आप पहचान जाओगे कि ये फंक्शन है। ये एक नोटेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। दूसरी नोटेशन पे आ जाओ।
दूसरी इसको आप बोलते हो ये तो कोई खास नहीं है, ये तो आपने एक अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में इसको। दूसरी फॉर्म जो है उसको आप टेबुलर फॉर्म बोलते हो, उसका क्या मतलब होता है उसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कंसिडर कर लो एक ये वाला, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, इतना नॉलेज हो लेकिन मुझे पता है आप लोगों को नहीं होगा। वो ये कि इनपुट इंडिपेंडेंट डोमेन, ये एक ही चीज को शो कर रहा होता है। ये जो आपके सामने एक्स लिखा होता है ना, मैं इसके नाम लिख देता हूं कोने पे, ये जो एक्स होता है ना वेरिएबल, इसको डिफरेंट तरीके से कॉल किया जाता है। मतलब इसको आप ये भी बोल देते हो कि इनपुट क्वांटिटी है ये, ठीक है, आप ये भी बोल देते हो कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, आप ये भी बोल देते हो कि ये डोमेन है। डोमेन का मतलब होता है एक्स वैल्यूज इनपुट, ये डोमेन का मतलब हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में जब आप जाओगे तो इसका एक और नाम पढ़ोगे एब्सिसा, वो भी इसका नाम होता है। तो डिफरेंट इसके नाम हो जाएंगे, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। अगर चैप्टर 2 में बात करोगे तो फिर आप इसको इनपुट या डिपेंडेंट डोमेन इस तरह नहीं बोल रहे होगे, आप फिर इसको एब्सिसा बोलोगे। तो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। तो मैं एब्सिसा नाम भी लिख देता हूँ, वो आप यूज कर लोगे चैप्टर नंबर 2 में, वहां भी आपको समझ आ जाएगा। अब वाई के देख लो नाम, वाई का एक नाम वाई क्वांटिटी को आप आउटपुट भी बोल सकते हो, इसी तरह इसको आप डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रही होती है। आप जो एक्स पुट करोगे वही वाई आएगा, आप एक्स अगर 9 पुट करोगे तो वाई भी चेंज हो जाएगा, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा, डोमेन इसको कहते हैं, इसको हम रेंज कहते हैं, रेंज भी कहा जाता है या इसको इमेज भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, रेंज या इमेज। इमेज वही जो तस्वीर, उसकी जो स्पेलिंग है वही यही है। तो अगर रेंज बोला जाए या इमेज बोला जाए तो इसका मतलब वाई की बात की जा रही है। और आखिर में चैप्टर नंबर 2 में इसका आप नाम पढ़ोगे ऑर्डिनेट। लोग इसको कोऑर्डिनेट समझते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं है, सी ओ नहीं है इसके स्टार्ट में, जस्ट ऑर्डिनेट है। तो ये कुछ नाम है, मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिए। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, इसको आप कहते हो टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसमें आप मतलब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इजी वो आपको समझ आ जाएगी। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए ना वही मैं आप लोगों को इस फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ये लिखने का एक तरीका है, क्या तरीका है, अगर आप इस फंक्शन को कंसीडर करो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें अगर आप 1 पुट करते हो तो आंसर भी क्या आता है, 1 आता है। तो देखो पहली चीज होती है इनपुट, मैंने 1 पुट किया आंसर भी 1 आ रहा है। अगर आप यहां पे 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 4। तो मैंने 2 पुट किया आंसर 4 आ गया। अगर मैं यहां पे 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इनको लिखने का तरीका ये है कि पहले आप इनपुट लिखते हो, 1 इनपुट था, 2 इनपुट था, 3 इनपुट था, जिसको आप इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो, जिसको आप डोमेन भी बोलते हो। ज्यादातर जो इसका वर्ड है ना जो आता है वो डोमेन आता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू जो आपको नजर आ रही है अभी, 1, 2, 3, ये सब डोमेन है, ये आपने इनपुट किया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, आउटपुट, जिसको नॉर्मली आप रेंज कहते हो। तो रेंज दूसरा होता है कि आपने 1 पुट किया था तो 1 आया था, फिर 4 आया था, फिर 9 आया था। तो जो दूसरी क्वांटिटी है इसको आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। तो इस तरह भी आ सकता है कि आपको वो टेबुलर फॉर्म में दे दें और बोलें कि भाई इसमें बताओ रेंज क्या है। तो अगर आप इसमें रेंज पूछो तो रेंज यहाँ पे है 1, 4, 9। 1 सेकेंड एलिमेंट आपने देखना है, तो सेकेंड एलिमेंट रेंज हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। इस तरह भी MCQs पूछे जाते हैं, डोमेन एंड रेंज बता दो। अच्छा, ये तो मैंने इस फॉर्म के बारे में बता दिया ना। अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई फंक्शन आए, बेसिकली रिलेशन आ जाए, और आपको बताना हो कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो किस तरह बताओगे। आपने देखना है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, इसको एक मिनट थोड़ा साइड पे रखो, मैं एक और नोटेशन बताता हूँ, उसके बाद ये समझ आ जाएगा। ये पहली थी नोटेशन, ये दूसरी थी, और तीसरी पहले समझ लो, दूसरी आ जाएगी खुद ही। तीसरी को आप कहते हो मैपिंग डायग्राम, और ज़रा पहले ये समझ लो, मामला क्लियर हो जाएगा। मैपिंग डायग्राम में क्या होता है, मैं इसी फंक्शन की एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नया कोई अलग से एग्जाम्पल नहीं देता। पहला जो आप ये बनाते हो ना, ये इनपुट के लिए होता है, और यह बनाते हो आउटपुट के लिए। लेट कर लो इनपुट के सेट को मैं ए बोल रहा हूँ या एक्स बोल देते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना हो, और इसको मैं वाई बोल देता हूँ, ठीक है। इनपुट मैंने क्या किया है, 1, 2, 3, आउटपुट क्या आया था, 1, 4, 9।
मैपिंग डायग्राम इसलिए कहते हैं कि आप मैप कर रहे होते हो कि भाई वन पुट किया था तो वन आया था, टू पुट किया था तो फोर आया था, थ्री पुट किया था तो नाइन आया था। तो अगर इस फॉर्म में आपसे कोई पूछा जाए कि ये फंक्शन है नहीं तो कैसे पहचानोगे, तो याद रखना बहुत से मेरी बात सुनना कि जो पहला सेट है अगर इसमें किसी भी एलिमेंट से दो एरो जा रहे हों, पहले एलिमेंट से या दूसरे कोई भी इसका एलिमेंट है पहले सेट का, अगर उससे दो एरो निकल रहे हों, जैसे एक इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, अब देखो एक एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं यहां पे, तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये था, अगर आप इसको इस फॉर्म में बनाओ तो आपने पुट क्या किया था, आपने पुट किया था फोर, और आपको मिला क्या था, आपको पॉजिटिव टू और नेगेटिव टू, तो फोर में आपको टू भी मिल रहा है, फोर पुट करने के बाद आपको माइनस टू भी मिल रहा है, तो एक एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा सकते। तो लेट कर लो अगर आपको मैपिंग डायग्राम दी जाए और पूछा जाए कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आपने बस ये देखना है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उससे क्या दो एरो जा रहे हैं, अगर किसी भी एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर नहीं जा रहे तो फिर दूसरी कंडीशन देखोगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि पहले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप होना चाहिए, जैसे अगर ये हुआ तो फिर फंक्शन नहीं होगा। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों, जो फोर एलिमेंट है वो किसी से मैप ही नहीं हुआ हुआ, तो अब आप इसको फंक्शन नहीं बोलोगे। तो दो कैटेगरी बन गई, दो पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं कि भाई एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा सकते। ठीक है, और फर्स्ट सेट की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट से कोई ना कोई एरो जाना चाहिए। अगर ये दो बातें कंप्लीट हैं तो वो फंक्शन है, दोनों में से अगर एक बात भी कंप्लीट नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैपिंग डायग्राम में आप आसानी से पहचान लोगे कि ये फंक्शन है, अगर फंक्शन नहीं होगा तो उसको आप नॉट अ फंक्शन बोल देते हो या आप उसको रिलेशन भी बोल देते हो। ठीक है, और अगर फंक्शन होगा तो आप जस्ट फंक्शन बोल दोगे। अब ये दूसरी नोटेशन थी, अब इस पे आ जाओ, अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो कैसे पहचानोगे, आपने बस ये देखना है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं इसमें क्या पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है या नहीं, अगर पहला एलिमेंट रिपीट कर गया तो वो फंक्शन हो जाए, फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, अब देखो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी वन है, इसका पहला एलिमेंट भी क्या है वन, तो दो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट सेम हो गए, इसका मतलब अब ये फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या देखोगे, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में अगर पहला एलिमेंट सेम हो गया तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा, उसको आप क्या बोलोगे, या तो नॉट अ फंक्शन बोलोगे या आप उसको रिलेशन बोल दोगे। ठीक है, तो ये वाली नोटेशन भी आपको बता दी, इसमें भी आपको बता दिया कि अगर एक एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं या कोई भी एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है तो फंक्शन नहीं होगा वो, और इसमें भी बता दिया कि अगर ऑर्डर्ड पेयर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें अगर पहला एलिमेंट सेम हो गया तो तब भी वो फंक्शन नहीं होगा, इन कंडीशन के अलावा कुछ और हो जाए तो वो फंक्शन हो जाएगा। सवाल है कि स्टूडेंट ने पूछा सर मुझे रिकॉर्डेड भाग भेज दिएगा। हाँ भाई, रिकॉर्डेड क्यों नहीं भेजूंगा, यूट्यूब पे अपलोड होगी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं मिलेगी आपको, मुझे नाम बता दो उसका, अगर नहीं हुई तो मुझे बोल देना। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड होंगी ये। तो यहां तक अब आप लोगों को मैं सवाल लूंगा, उससे पहले मैं समराइज कर दूं मैंने अभी तक पढ़ाया क्या है, ताकि उसी में से आप सवाल पूछो कि भाई हमने बेसिक बात पढ़ी कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, तो उसके मैंने एक ये वाली नोटेशन बता दी आपको, एक ये वाली नोटेशन बता दी, इसको हम नॉर्मली टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, अच्छा ये फंक्शन नहीं है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, ये नॉट अ फंक्शन है, क्यों, इसमें पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर पहला एलिमेंट रिपीट ना करे जैसे ये है तो अब ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो ये नोटेशन भी आपने देख ली। इसी तरह अगर मैपिंग डायग्राम आपके पास एग्जाम में आ जाए और आपने पहचाननी हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो आपको बता दिया दोनों शरायत पूरी होनी चाहिए, अगर पहले किसी भी एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं तब भी वो फंक्शन नहीं होगा, अगर दो एरो नहीं जा रहे लेकिन कोई भी एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है तब भी वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन उस सिचुएशन में होगा जब दो एरो भी नहीं जा रहे और कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है, तब उसको आप फंक्शन बोलोगे। जैसे जो मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी ये फंक्शन है, मैं एक दो और दे देता हूँ फंक्शन ना होने की, ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए। कंसिडर कर लोगे भाई 1, 2, 3, 5, 9, 10 कुछ भी पुट कर दो, इसको हम बोल देते हैं भाई ये पहला है ये दूसरा सेट है। ठीक है, अब 1 से 5 पे जा रहा है, 2 से 9 पे जा रहा है, 3 से 9 पे जा रहा है। अच्छा एक चीज़ जहन में रखो, ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूँ, एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा सकते, एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा सकते, मतलब ये वाली चीज़ नहीं हो सकती,
एक एलिमेंट से दो एरो जा रहे हैं, लेकिन दो एलिमेंट से सेम जगह पे एरो जा सकता है, ये अलाउ है बिल्कुल, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखो टू और थ्री, इनसे सेम जगह पे एरो जा रहा है, अलाउड है बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, फंक्शन होगा ये। दो एलिमेंट से सेम जगह पे एरो जा रहा है, अलाउ है, लेकिन एक एलिमेंट से दो जगह जा रहा है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आप इसमें देखो, किसी भी एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा रहे, दूसरा पहले सेट में कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है। और मैं जरा एक और एग्जांपल दे देता हूं नॉट अ फंक्शन की, नहीं ये तो फंक्शन बन जाएगा, बस ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, इसमें किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं जा रहे पहले सेट के, लेकिन मसला ये है कि इसका एक एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है, तो पहले सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, अगर वो फारिग है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो ये इसको आप जस्ट रिलेशन बोलोगे, फंक्शन नहीं बोलोगे, या इसको हम नॉट अ फंक्शन भी बोलते हैं, एमसीक्यूज में दोनों टाइप के ऑप्शन लिखे हुए होते हैं। ये हो जाएगा फंक्शन, इसका ये भी हो जाएगा फंक्शन, दैट्स इट। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं कोई और नाम है ही नहीं भाई, खत्म होगी बात, क्योंकि असल चीज जो है वो रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन अगर वो किसी बात को सेटिस्फाई करेगा तब आप उसको फंक्शन बोलोगे, अब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप उसको रिलेशन ही बोल दोगे। सवाल पूछना है भाई आपने, ये वाली यार देखो, मैंने इसमें बात बोली है कि जो पहला सेट है ना उसका एक एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है, उससे कोई एरो नहीं जा रहा। अगर फारिग पहले सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग होगा, मैं पहले सेट की बात कर रहा हूँ, दूसरे का हो सकता है उसमें कोई मसला नहीं है, पहले सेट का अगर कोई फारिग है ना तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा फंक्शन को चेक करने का एक और तरीका भी होता है। अच्छा यहाँ पे मैं जितने आप लोगों को ग्राफ बनाऊंगा आप लोग लाजमी याद कर लेना, ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, आपको साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मॉडुलस और ये जितने मशहूर फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक पीस वाइज फंक्शन, इन सब के ग्राफ आने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक और आखिरी तरीका है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना फंक्शन पहचानने का, उसका आखिरी तरीका ये कि अगर फंक्शन किसी भी रिलेशन का, अभी हम रिलेशन एज्यूम करते हैं उसका, अगर आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, और ग्राफ से अगर आपने मालूम करना है कि यार ये रिलेशन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ है, तो किस तरह मालूम करोगे, उसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक फंक्शन है आपके पास, रिलेशन कंसिडर करते हैं, अभी एक रिलेशन है कोई भी, अब इस रिलेशन को आप फंक्शन बोलोगे या नहीं बोलोगे, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको कैसे बताएगा भाई। ये टेस्ट ये कहता है कि आपने वर्टिकल लाइन बनानी है, मैंने वर्टिकल लाइन बना ली, अगर वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो वो फंक्शन का नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन ये ग्राफ को दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, अगर एक पॉइंट से ज्यादा क्रॉस करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। और इसके कंट्रास्ट में एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अच्छा ये बाय द वे फंक्शन होता है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोलिक है, ये भी पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा इस पर हम चेक करके देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे हर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, एक से ज़्यादा भी नहीं कर रही क्रॉस, तो अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस करे इसका मतलब वो फंक्शन का ग्राफ होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है कि फंक्शन, लास्ट वाली एग्जांपल दोबारा बता दें यार, सिंपल मैंने बात बोली है कि फंक्शन के ऊपर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो वो फंक्शन है, लेकिन वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट पे या तीन पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर क्रॉस करे तो वो रिलेशन का हो जाएगा, और अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस करे तो वो फंक्शन का हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा यार, जिस स्टूडेंट ने सवाल पहले पूछा था, अगर आप चैट पे लिख दो तो बेहतर है, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो अगर चाहो तो आप लिख दो ताकि मैं एड्रेस कर दूं यहीं पे सवाल को। तो हमारा ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया है। अच्छा, फंक्शन की नोटेशन भी होती है, ये आपने देखी होगी, काफ़ी यूज़ की होगी। एफ ऑफ एक्स लिख रहे होते हैं, आप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस वाले नोटेशन में ये जो बाहर लिखा होता है ना, ये फंक्शन का नाम होता है। इधर आप नॉर्मली फंक्शन का नाम आप एफ लिख रहे होते हो, कहीं जी लिख रहे होते हो या एच लिख रहे होते हो। ये तीन बड़ी मशहूर नाम है फंक्शन के, या आपको एफ ऑफ एक्स नजर आएगा, या जी ऑफ एक्स नजर आएगा, या एच ऑफ एक्स नजर आ जाएगा ज्यादातर। और इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो था ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये टॉपिक हमारे हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है फंक्शन की टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहली और मशहूर टाइप है जिसको आप कहते हो वन टू वन फंक्शन। अभी वन टू वन फंक्शन क्या होता है, देखो वन टू वन फंक्शन ये कहता है कि हर एक्स का डिफरेंट वाई होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे फंक्शन बनाना चाहूं तो ये फंक्शन इस तरह भी बन सकता है, ये बिल्कुल फंक्शन है क्योंकि दोनों बातों को कंप्लीट कर रहा है। इसमें किसी भी एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा रहे, और पहले सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन इसको आप वन टू वन नहीं बोलोगे। वन टू वन क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें हर एक्स का डिफरेंट वाई नहीं है। अगर आप गौर करो, टू और थ्री का सेम वाई वैल्यू है 5, तो टू और थ्री की वाई वैल्यू सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो अगर हर एक्स की डिफरेंट वाई वैल्यू हो तब उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, वन टू वन फंक्शन। तो इसको वन टू वन अगर आपने बनाना है ना, तो इस तरह हम कर सकते हैं, ये अब ये वन टू वन बन गया। इसमें देखो हर एक्स की आपको डिफरेंट y वैल्यू नजर आ रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन टू वन फंक्शन। ठीक है, कोई सवाल यहां तक, कोई इश्यू हो रहा हो किसी को, तो वन टू वन फंक्शन को भी चेक करने का तरीका होता है। उसके लिए आप एक टेस्ट यूज करते हो जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट को कोई ग्राफ पूरा करेगा तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन को पूरा करेगा तो वो रिलेशन भी हो सकता है, मतलब वन टू वन रिलेशन भी हो सकता है, वन टू वन फंक्शन भी हो सकता है। अब अगर फंक्शन का ग्राफ इस वाले टेस्ट को क्लियर कर रहा है तो उसको आप वन टू वन फंक्शन बोलोगे। जैसे अगर आप इसको देखो, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे ये उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको आप बोल दोगे वन टू वन रिलेशन। लेकिन अगर कोई फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पास कर रहा है, मतलब वर्टिकल को भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल को भी कर रहा है, तो उस वाले फंक्शन को आप क्या बोलोगे, वन टू वन फंक्शन। और जिसकी बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है क्यूबिक फंक्शन की, और स्ट्रेट लाइन भी है, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आप इसमें जरा खुद भी ऑब्जर्व करके देख लेना कि जब आप इसमें वर्टिकल लाइन बनाओगे वो भी एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये वो ग्राफ है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन को भी कंप्लीट करता है, वर्टिकल लाइन को भी कंप्लीट करता है। वर्टिकल की वजह से इसका नाम फंक्शन है, और हॉरिजॉन्टल की वजह से इसका नाम वन टू वन है। कंबाइन करो तो इसको आप बोलोगे वन टू वन फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, सवाल किसी ने पूछा है सर वन टू वन फंक्शन का एग्जाम्पल टेबुलर फॉर्म में देते हैं। हाँ, ये अच्छी चीज है, याद रखना टेबुलर में ना आपके पास वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे अच्छा, ये मैं रैंडमली एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ग्राफ की नहीं होती, मैं बस आपको समझाने के लिए रैंडम एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी ये फंक्शन है, फंक्शन इसलिए क्योंकि पहली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही इसकी। अगर आप देखो पहली वैल्यू सबकी डिफरेंट है, लेकिन ये वन टू वन नहीं है, क्यों, दूसरी वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर दूसरी वैल्यू रिपीट हो ना तो वो फंक्शन तो होता है, लेकिन वो वन टू वन नहीं होता,
क्योंकि मतलब इसका यह बनता है कि 1 का भी 4 है, 3 का भी 4 है, तो हर x का तो डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर सेकंड वैल्यू रिपीट हो तो 1:1 नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 1:1 नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और पुट कर देता हूँ तो अब ये 1:1 बन गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो ये एग्जांपल आप कह सकते हो 1:1 की। तो ग्राफ वाली भी मैंने आपको समझा दी और वैसे भी समझा दिए। अच्छा, एक इक्वेशन वाली भी होती है, लेकिन वो मेथड एनएडी वालों को बताने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन से भी आप पहचान सकते हो ये 1:1 का है नहीं, लेकिन वो मेथड नहीं आता। ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है और ये भी हिस्सा है काइंड ऑफ, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सर सेकंड ग्राफ में तो 5 पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड ग्राफ में तो, अबे भाई एक वर्टिकल लाइन, मैं ख्याल में इसकी बात कर रहे हो, एक वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी। मैं सिर्फ एक वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूँ, सब की नहीं बात कर रहा। एक वर्टिकल लाइन जो है वो एक पॉइंट पे क्रॉस करे। यार मैं बार बार रिपीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ बातें हैं, और ये आपके सामने ड्रॉ हो रहा है। इसमें मसला क्या है भाई, एक लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। मैं बार बार बताने लग जाऊंगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। ये आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग पहले से होनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं है तो ये मैंने बहुत ईजी करके बताया, वैसे में कोई मुश्किल है ही नहीं। तो काइंडली एक ही दफ़ा सुन लो, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। मैं अगर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा आप लोगों का कोर्स गया, नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी मजबूरी समझो। वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं डिटेल में जाऊँ। ये एक टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, इसमें मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाता, मेरी मजबूरी है ये। तो कोशिश करना पहली बात में पिक कर लेना इसको। तो एक आप लोगों को मैंने टाइप बता दी है 1:1 फंक्शन की, अब दूसरी टाइप होती है 2:1 फंक्शन की। मैनी टू वन फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि जिसमें एटलीस्ट एक, एटलीस्ट दो ऐसे एक्स होने चाहिए जिनकी सेम वाई वैल्यू हो। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप देखो तो ये फंक्शन है, दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई एलिमेंट फारिग नहीं है और किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं जा रहे, तो इसको आप फंक्शन बोलोगे। लेकिन ये साथ साथ मैनी टू वन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो ऐसी एक्स वैल्यू नजर आ रही है जिसकी सेम वाई वैल्यू है। ये वो दो एक्स वैल्यू है जिनकी सेम वाई वैल्यू आ रही है। तो एटलीस्ट ऐसी दो एक्स वैल्यू होनी चाहिए जिनकी सेम वाई वैल्यू हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा तीन एक्स वैल्यू की भी एक हो सकती है। जैसे इसको मैं इस तरह भी बना सकता हूं, अभी भी ये फंक्शन ही है। अब इसमें तीन इनपुट की सेम वाई वैल्यू है, फंक्शन है, इसको मैनी टू वन भी बोलोगे। लेकिन मैनी टू वन की बेसिक डेफिनेशन ये कि एटलीस्ट दो ऐसी एक्स वैल्यू हो, कम से कम दो ऐसी एक्स वैल्यू हो जिसकी सेम वाई वैल्यू हो। ज्यादा से ज्यादा तीन भी हो सकती है, चार, दस, जितनी भी कर लो, लेकिन कम से कम दो एक्स वैल्यू की सेम वाई वैल्यू होगी, तो उस वाले फंक्शन को आप क्या बोलोगे, मैनी टू वन फंक्शन बोलोगे। एक 1:2 many भी होता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है, तो उसके बारे में बताना नहीं जा रहा। 1:2 many में क्या होता है कि 1 से मतलब एक x से डिफरेंट एरो जा रहे होते हैं, तो उसको आप 1:2 many कहते हो, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता। ये many to 1 है, मतलब many से 1 पे जा रहा है तो ये फंक्शन माना जाएगा, लेकिन 1:2 many फंक्शन नहीं होता, क्योंकि 1 से फिर जब ज्यादा एरो जाएंगे तो उसको आप फंक्शन नहीं बोलोगे, वो रिलेशन बन जाता है। ये सब टॉपिक पे मेरी वीडियोस भी अपलोड हैं, आपको नेट पे ही मिल जाएंगी। अगर शौक हो तो आप लोग आराम से सीख सकते हो, कोई नई चीज़ें नहीं है। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना सेकंड ईयर की, सब बातें मौजूद हैं, डायग्राम के साथ मौजूद हैं, तो वहाँ से भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हो, समझ आ जाएगा।